وتوبوا الى الله توبه نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि रब कायनात सारे सारे में बैठ के जिक्र उजगार करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आदि रात सदका अल्लाह ताला सारे सारे में बख्शिश मगफरत फरमाए। वक़्त बहुत ज़्यादा है, मुख्तसर वक़्त है। मैं खुश हाँ अल्लाह हज़रत अल्लामा इकबाल कादरी साहब इन्हों का मशकूर हाँ कि उन्होंने अपनी इस कीमती वक़्त के अंदर इस माहौल के अंदर महफिल सजाई और वक़्त दिता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हों के नेक कामों के अंदर इन्हों मदद फरमाए। वक्त मुख्तसर है, तकरीर सुबह की होने मैं इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर आधी रात के हवाले के नाल कुछ तौबा के नुकात मैं इंशाल्लाह अर्ज कर रहा। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, फरमाया कि ए ईमान वालों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तौबा करके लौट आओ। तौबतन नसूहा, पक्की तौबा करके ले आओ। इमाम गुशारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तौबा पक्की तौबा का माना इरशाद फरमाया था। आप इरशाद फरमाने ने पक्की तौबा तो मुराद एवे कि ए इंसान अल्लाह की बारगाह के अंदर इस हालत के अंदर आ जा कि मुर कदे तो गुनाह वाले जावे ही ना। पक्की तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर आओ। आओ मैं एक तौबा तुहानू सुनावा जिहदे सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर तौबा की, जिदा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। कुरान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे दुआ दा जिक्र इरशाद फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को कोई गुनाह नहीं होया, खताए इजतिहादी है। उलमा मौजूद ने, मैं बस इख्तिसार नाल अर्ज कर रहा, आदम अलैहिस्सलाम को हुण खताए इजतिहादी हुई तो अपने रब को मुआफ़ी पे मांग दे रहे। नबी होंदे ने मासूम अल खता, गुनाहों तो पाक होंदे ने, लेकिन नबी तो जरा अमल होंदा है और उम्मत वास्ते रहनुमाई होंदा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक को माफ़ी मांग के दसिया कि ए मेरे पुत्रो, अगर अपने रब को नाराज़ कर बैठो तो अपने रब को माफ़ी जरूर मांगे आज, क्योंकि गुनाह करके अकर जाना शैतान का काम है। गुनाह करके जे अगर कोई खता हो जाए तो माफ़ी मांगना इंसान का काम है। शैतान अकर गया तो इंसान झुक गया, माफ़ी मंगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमाया। जे तुसी आखो सुबह अल्लाह तो मैं कुरान पढ़ा भाई, जे तुसी सुते हो तो फिर असी भी सो जाने, जे तुसी जागते हो तो हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। लामा साहब ने पहले आखे कि लंगर का इंतजाम है तो वसी लंगर है, तो जरा लंगर उन्होंने खिलाना वह तुम्हारा ढिड भरेगा, तो इंशाल्लाह जरा लंगर मैं देना है वह इंशाल्लाह तुम्हारी रूह भी भरेगा, तो इंशाल्लाह कब्र के भी कम आ जाएगा। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने फरमाया, रब्बना इन्ना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने सजदे च सर रखे ते रो के अर्ज की, अल्लाह मैं अपनी जान ते जुलम कर बैठा वा। अर्ज की, अल्लाह मैंने ते माफी दे दे, मेरे ते रहम कर दे। अर्ज की, अल्लाह जे तू मैनू माफ ना कीता। अर्ज की, अल्लाह लनकूनन मिनल खासिरीन। अर्ज की, अल्लाह मैं नुकसान उठान वाले दे विच हो जाना। इमाम इबन कसीर फरमांदे ने, आदम अलैहिस्सलाम दिने भी रो रहे, रात भी रोंदे ने, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि 350 साल आदम अलैहिस्सलाम सजदे च रोंदे ने। अर्ज कर दे, रब्बा माफी दे दे, मैनू माफी दे दे। इतने आदम अलैहिस्सलाम रोंदे ने कि आप दे अथरुआं नाल जंगल च पानी दे नाले जारी हो गए। जंगल दे परिंदे आके अथरू पींदे ने ते नाले आखदे ने, वाह रब्बा किड्डा मिठा पानी है, किड्डा मिठा पानी है। आदम अलैहिस्सलाम ने सुनिया, चीख निकल गई। अर्ज की, अल्लाह हो ते माफ कर दे, हो ते जंगल दे जानवर मजाक पे कर दे ने। अल्लाह ने फरमाया, आदम ना ना, ये परिंदे मजाक नहीं करदे, जेरा मेरे खौफ दे विच रोंदा है मैं ओदे अथरों मिठे बना छड़ना वा। अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम रोई जा रहे, अल्लाह दी कुदरत दी दलील बनी, मैं अपने यार नु चुप करावा। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा मेरे यार को अजान पर। जिब्रील अमीन आके अजान पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
अकबर। जिब्रील अमीन अजान पढ़ते जा रहे जेरे वेले परे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अली सलाम ने कमली वाले दा नाम सुने आओ दिल च ख्याल आया अते ओ ही नाम है जरा मैं अर्श ते लिखया पढ़दा रहा वा। अर्ज कीती या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक मुहम्मद। अर्ज कीती या अल्लाह मुहम्मद वास्ते माफी दे दे। अल्लाह ने फरमाया आदम सिर सजदे चकला माफी मिल गई। आदम अली सलाम ने अर्ज की रब्बा 350 साल रोंदा रहा वा उदू ते माफ नहीं किया। एक मुहम्मद का वसीला पाया माफ किया। अल्लाह ने फरमाया आदम अज मुहम्मद का वसीला पा के अपनी माफी मंगी आओ। फरमाया कयामत तक आन वाली औलाद की माफी मंगदा यार दे नाम सदके सारे नु माफ कर दे। यार दे नाम दे सदके सारे नु माफ कर देना सी जे तो मुहम्मद का वसीला पा के आन वाली औलाद की माफी मंगदा। मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग के सानू दसिया कि आ मेरे पुत्रों जो गुनाह हो जावे ना तो फिर माफी मंगया करो अपने रब को माफी मंगया करो। तो अज की रात का सबक ही बड़ा आसान है जो तुम आखो तो अज रात सबक तुम दसा भाई पता तो है सारे अपने कीतियां का मैं कि तुम कि सारे पता कि असं कि गुनाह करके आए तो ए मुजरम बन के अपने रब की बारगत अंदर मन जावे ना तो फिर साढ़े वास्ते आसानी हो जाएगी। रबे काबा की कसम है जरा कल कयामत मन जाएगा ना कि रबा मैं ऐ भी गुनाह करता रहा ऐ भी करता रहा अल्लाह उन्होंने माफ फरमा देगा। जरा इकरार कर देगा तो सारे मिलके पलो के मानो के गुनाहगार हो निहायत बुरा हूं मैं मानो गुनाहगार हो निहायत बुरा हूं मैं मानो गुनाहगार हो निहायत बुरा हूं मैं लेकिन तेरे हबीब के दर का गदा हूं मैं लेकिन तेरे हबीब के दर का गदा हूं मैं। असल दियारे जो अल्लाह ने कलम नो पैदा फरमाया फरमाया कलम लिख आदम अली सलाम दी उम्मत दी किस्मत लिख उन्हां दी तकदीर लिख। कलम ने अर्ज की या अल्लाह की लिखना है। फरमाया कलम लिख जरा नेक होवेगा जन्नती होवेगा जरा गुनाहगार होवेगा दोस्त होवेगा। कलम ने लिख के अर्ज की रब्बा हुण की लिखना वे। फरमाया लिख नूह अलै सलाम दी उम्मत पनोर लिख। अर्ज की या अल्लाह इत्थे की लिखना वे। फरमाया इत्थे भी लिख जरा नेक होवेगा जन्नती होवेगा जरा गुनाहगार होवेगा दोस्त होवेगा। कलम ने अर्ज की रब्बा हुण की लिखना वे। फरमाया मूसा दी उम्मत कानून लिख। अर्ज की अल्लाह केरा कानून लिखना वे। फरमाया ओ ही कानून कन्ने एक जन्नती गुनाहगार दोज़खी आणगे। कलम ने लिख के अर्ज की रब्बा होन की लिखना। फरमाया ईसा दी उम्मत दा कानून लिख। अर्ज की अल्लाह की लिखना वे। फरमाया ओ ही पुराना कानून कन्ने एक जन्नती आणगे गुनाहगार दोज़खी आणगे। कलम ने अर्ज की रब्बा होन की लिखना वे। फरमाया हुण मुहम्मद उम्मत का कानून लिख। अर्ज की या अल्लाह की लिखना है। बल्कि हदीसे पाक दे अंदर आंदा कलम आप ही लिखन लगदा होवे। अल्लाह फरमांदा है कलम की लिखन लगा होवे ते कलम कहन लगे रब्बा मैं ओही लिखन लगी हां कि नेक जन्नती आणगे गुनाहगार दोज़खी आणगे। फरमाया ना ना इत्थे आ के कानून बदल जाना वे। अर्ज की या अल्लाह इत्थे की लिखना है। फरमाया कलम इत्थे लिख के उम्मत गुनाहगारे रब बख्शन हारे। उम्मत गुनाहगारे रब बख्शन हारे कि इत्थे आके कानून बदल गए मेरे ते तेरे वास्ते बख्शी दा ते जरिया ही बड़ा आसान बन गया। एक कदम कर पुट्टो नेकी वास्ते नेकी करो भी ना रब नेकी लिख देंदा है। मेरे ते तेरे वास्ते अल्लाह ताला ने कदम कदम ते आसानी जन्नत वास्ते रखी लेकिन चलना मुश्किल हो गया ना। अल्लाह तबारक व ताला दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दे गुलामो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया ना तो फरिश्ते ने हुक्म दिता जे तुसी आखो सुभान अल्लाह पढ़ा कुरान में
मैं नहीं थक रहे, तुसी क्यों थक रहे हो? बोलो तुसी सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद में इज قالت الملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नु बनाओ के आख्या फरिश्ते आओ आदम नु सजदा करो, सारे मलाइका ने सजदा कीता, इबलीस कह लगा ना ना मैं सजदा करना कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं करना? ते कह लगा काल अना खैरन, कह लगा मैं आदम तू चंगा वा। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज फइन्नका रजीम, फरमाया शैतान दौर जा मेरी जन्नत चो बाहर निकल जाओ, मर्दूदा निकल जाओ। अल्लाह ने शैतान को जन्नत से कड़े आओ, शैतान मर के आदम अलैहि सलाम वाले गुस्से नाल वेख रहे। अल्लाह ने फरमाया शैतान मेरे आदम वाले की प्या वेखना वे, ते शैतान कहन लगा रब्बा हजारा साल की इबादत की है, ऐसा आदम की वजह नाल मेरी इबादत जाया हो गई है। शैतान कहन लगा काल फबी इज्जत कल उगवी अल्लाहुम अजमाईन, कहन लगा रब्बा मैनू तेरी इज्जत की कसम है मैं आदम को बदला लेना आई। अल्लाह ने फरमाया कि मैं दा बदला लेना आई, कहन लगा रब्बा मैं जब तू आदम अलैहि सलाम दे पुत्रा नु जिंदगी देवेगा सारी जिंदगी एदे पुत्रा को गुनाह करवांदा रवांगा, जब कयामत दा दिन आवेगा इन्हां नु दोज़ख मिल जावेगी, मेरा बदला पूरा हो जावेगा। अल्लाह ने फरमाया मर्दूदा तू मेरी इज्जत की कसम पे चुकना वे, फरमाया मैनू भी अपनी इज्जत कसम है मैं आदम दे पुत्रा नु जिंदगी दवांगा, सारी जिंदगी उन्हां कोल गुनवा करवांदा रहेगा, जदों आखरी वेला आना वे उन्हें इको बारी माफी मंगनी है मैं माफ कर दे, उन्हें इको बारी माफी मंगनी है ते मैं माफ कर देना। आदम दे पुत्रा नु तो मैं जन्नत दे देनी, तू केड़े प्रोग्राम बना के बैठा है? असा तो इन्होंने को दोजख देने वास्ते थोड़ी बनाया, अ मुहम्मद अरबी के गुलाम ने ना तो इन्होंने दोजख देने वास्ते थोड़ी बनाए। मुसलमानों असा दे तौबा करने देर है, लेकिन रब दे माफ करने कोई देर नहीं, कोई देर नहीं। एक अथरू साड़ी अख चू और खौफ की वजह न निकल जाए ना, रब काबा की कसम है अथरू जमीन के बाद चो डिग का पहला बख्शिश हो जाएगी। एक अथरू कट कद वेखो अपने मालक की खौफ की वजह देना और याद विच कदी रोकते वेखो ना। हदीसे पाक दे अंदर आंदा है, हदीसे पाक दे अंदर आंदा कल महशर दा मैदान सजया होवेगा, दोज की दोजख खल जांदे आणगे, दोजख दी अग दोजख तो बाहर आवेगी, दोज के दे पीछे पीछे जावेगी, जहन्नमी लोग अगे अगे दौड़ते जाओगे। नबी करीम सजदे च सर रख के आखेंगे रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हदीसे पाक दे अंदर आंदा अचानक जिब्रील अमीन पानी का प्याला लेके आवणगे ते अर्ज करेंगे कमली वाले आओ पानी का प्याला जरा दोजख दी अग ते छिड़के आओ जी। नबी करीम पानी का प्याला करके ओदे छिटे दोजख दी अग ते मारणगे, सारी दोजख दी अग बुझ जावेगी। नबी करीम फरमानगे जिब्रील अकेरा पाक पानी है जिन्हें दोजख दी अग नु बुझाउ छले आवे। जिब्रील अमीन अर्ज करंगे कमली वाले आओ जेरे तोड़े गुलाम रातां नु रोंदे रहने अपने मालक दी याद करदे रहने, अपने रब कोल माफी मंगदे रहने, उन्हां दी अखां चो अथरू डिगदे रहने। मैं कट्ठे करदा मुसलमान रात का आखिरी पहले ते माफी मंगन दी रात है, अपने रुसे हुए मालक नु मनावन दी रात है, अपने रब नु राजी कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे दुआए कि रब्बे कायनात सानू सारे नु मरण तो पहले अपनी माफी मंगन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन वा आखिर दा वया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।